हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए बात करते हैं फर्स्टली मैटर की कि मैटर क्या है। देखिए मैटर की यदि डेफिनेशन लिखें तो हम क्या कहेंगे, थिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस। देखिए बात करें मैटर की तो मैटर क्या, तो हम कह सकते हैं कि हर थिंग जो स्पेस ऑक्यूपाइड का मीनिंग है कवर करना, कि हर वो चीज़ जो क्या कर रही है स्पेस कवर कर रही है, हम उसे क्या नाम देंगे, मैटर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, जैसे बात करें पेन, बात करें बोर्ड की, कि जो बोर्ड इस दीवार को कवर कर रहा है, बोर्ड हो गया, चौक या एक्सेट्रा, जितना भी मटेरियल है जो भी हम आस पास की सराउंडिंग में जितना भी मटेरियल देखते हैं वो सभी क्या है, मैटर है। या मैटर की डेफिनेशन, अदर डेफिनेशन लिखें तो हम कह सकते हैं कि मैटर हैज मास एंड वॉल्यूम। कि जो भी मैटर है उसका मास भी होगा और उसी का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। देखिए बात करें मास की, कि मास किसे कहेंगे। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसका मटेरियल होगा देखिए जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे वो जिस मटेरियल से मिलकर के बना है वो उसका क्या होगा, मास होगा। जैसे चौक की बात करें तो चौक जिस मटेरियल से मिलकर के बना है वो उसका क्या है, मास है। इसके अलावा बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम किसे कहेंगे, कि जो भी मटेरियल या जो भी जो ऑब्जेक्ट है वो जितना स्पेस कवर करेगा, या स्पेस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्पेस कवर करता है तो वो उसका क्या है, वॉल्यूम है। इसके बाद हम देखें कि बात करें मैटर की, कि मैटर जिन चीज़ों से मिलकर के बन रहा है, या हम एक लाइन लिखें कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कि जितना भी मैटर है, या एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, या जिसे हम कहेंगे टाइनी पार्टिकल। देखिए बात करें मैटर की तो हम कह सकते हैं कि मैटर एक स्मॉल पार्टिकल या टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बनता है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं एटम की, कि एटम एक स्मॉल यूनिट है, कि एटम के जितने भी पार्टिकल आपस में कंसिस्ट होंगे उनके कंसिस्ट होने के बाद में जिस चीज़ का फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूल नाम देंगे। इसके बाद हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल मिलने के बाद में, या मॉलिक्यूल किसी ग्रुप में अरेंज होने के बाद में जिस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे उसे हम क्या नाम देंगे, एलिमेंट नाम देंगे। वो एलिमेंट आगे जाकर के मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि जितने भी मैटर होंगे वो सभी किससे मिलकर के बनेंगे, पार्टिकल से मिलकर के बनेंगे। हम कह सकते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे मिलकर के बनेंगे। इसके बाद हम देखें कि जो एंशिएंट टाइम है, एंशिएंट टाइम के जितने भी फिलोसोफर हैं वो भी जब मैटर की बात करते हैं या मैटर की डिस्कवरी की गई तो उसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए। हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये बात बताई भी जितनी भी ह्यूमन बॉडी है, उन्होंने कहा था कि जितनी भी थिंग्स हैं जो आसपास के इन्वायरमेंट में हम लोग देखते हैं वो सभी जिस चीज़ से मिलकर के बनी है उन्हें हम क्या नाम देते हैं, पंच तत्व नाम देते हैं। कि उन्होंने कहा था कि फाइव बेसिक एलिमेंट हैं जिनसे मिलकर के यूनिवर्स के जितना भी मटेरियल है वो जिन चीज़ों से मिलकर के बना है उन्हें हम क्या नाम देते हैं, फाइव एलिमेंट या फाइव बेसिक एलिमेंट्स या पंच तत्व नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, फायर, वाटर, एयर, फायर वाटर एयर देखिए पांच तत्वों में बात करें। इसके बाद हम देखते हैं कि स्काई,
और अर्थ। देखिए जितने भी एंशियंट फिलोसफर थे उन्होंने ये बात कही थी कि एंशियंट फिलोसफर ने सारों ने ये बात बताई भी जो हर चीज़ है वो मैटर से मिलकर के बन रही है, लेकिन उन्होंने जो इसे नाम दिया उन्होंने पंच तत्व नाम दिया। उन्होंने कहा कि कुछ फाइव बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर के किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मैटर का फॉर्मेशन हो रहा है, कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी है, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सारी किससे मिलकर के बनी है, इनसे मिलकर के बनी है। इसके अलावा हम देखेंगे आज के टाइम में जो मॉडर्न ईरा है, या हम कह सकते हैं कि आज का जो ईरा है जिस टाइम में मॉडर्न टाइम में हम देखें देखिए मॉडर्न में हम देखते हैं कि वो ये बात बताते हैं कि जितना भी मैटर है वो कुछ बेसिक चीज़ों से मिलकर के बनता है, कि उनके अंदर मैटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड होंगी और इसके अलावा मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। उनका कि इन चीज़ों से मिलकर के किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मैटर का फॉर्मेशन हो रहा है और जिनसे क्या बन रही है, जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं कि हर जो चीज़ जो स्पेस कवर कर रही है वो क्या कहला रही है, मैटर कहला रही है, चाहे उसमें पेन है, बोर्ड है, चौक है या एक्सेट्रा, जितनी भी हम आसपास की चीज़ें देखते हैं, जैसे ये बोर्ड इस दीवार पे लगा हुआ है, इसके अलावा कोई भी जो टाइल्स है वो जिस फर्श पे लगी हुई है वो उस फर्श को कवर कर रही है, तो वो भी क्या है, मैटर है। इसके अलावा हम बात करें या हम अगर एक एग्जाम्पल देखें कि बात करें एयर की, कि क्या जो एयर है वो मैटर है, तो हम कह सकते हैं कि एयर भी क्या है, एक मैटर है। देखिए बात करें क्यों, तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज इट कवर स्पेस, क्योंकि एयर हम कह सकते हैं कि एयर क्या है, मिक्सचर है किसका, गैसेस का। देखिए एयर को हम नाम देते हैं गैस, तो हम कह सकते हैं कि एयर क्या करती है, स्पेस कवर कर रही है, जैसे सिलेंडर्स में गैस का भरा जाना, बैलून्स में गैस का भरना, तो वो सभी चीज़ों में एयर क्या कर रही है, स्पेस कवर कर रही है, तो एवरी थिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर, तो हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो भी क्या है, मैटर है। इसके बाद देखिए हम देखें इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, कि जो मैटर है वो स्मॉल, टाइनी का मीनिंग है स्मॉल, स्मॉल यानी कि वेरी स्मॉल, टाइनी जो वर्ड हम यूज़ करते हैं किसके लिए, वेरी स्मॉल के लिए, कि हम कह सकते हैं कि जितना भी मैटर है वो जिन चीज़ों से मिलकर के बन रहा है, जिन पार्टिकल से मिलकर के बन रहा है, वो पार्टिकल क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटे, हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टाइनी है, यानी कि जो दिखाई नहीं देते, हम सिंपल वे में कहें या दिखाई देते हैं तो बहुत ज़्यादा बारीक हैं या बहुत ज़्यादा छोटे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हम किसी भी अंदर के एक बिकर लेकर के, ये बिकर है और बिकर के अंदर क्या लेते हैं, कुछ पानी या वाटर ले लेते हैं, और इस वाटर में हम क्या मिक्स करते हैं कि या हम इसके अंदर शुगर मिक्स करें, शुगर यानी कि चीनी मिक्स कर रहे हैं। अब मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन, इन दोनों के मिक्सचर से जो हमें यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, शुगर सिरप। देखिए शुगर सिरप एक तरह का क्या है, मिक्सचर है, कि जब शुगर को और वाटर को, पानी को मिक्स करते हैं तो उनके मिक्स करने के बाद शुगर सिरप बनती है। अब यहाँ शुगर सिरप की बात करते हैं तो किसी भी मानते हैं कि इस बिकर के अंदर ये जो लेवल है ये किसका लेवल है, इस पानी का लेवल है, ये हम कह सकते हैं कि हमने इसमें यहाँ तक जो पानी इसमें ऐड किया है, अब इसमें शुगर ऐड करने के बाद में इस पानी का जो लेवल है वो सिर्फ यहीं तक रहेगा, यानी कि पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जितने भी शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो जब वाटर में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होने के बाद में इन वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच जो फ्री स्पेस है उस स्पेस में जाकर के एडजस्ट हो जाएंगे, जिससे इस वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा। पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे, देखिए जो शुगर के क्यूब्स हैं वो पहले बड़े दिखाई देते हैं लेकिन वाटर में सोल्यूबल या घुलने के बाद में वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते या वो इसी के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा देखें, इसके अलावा बात करें कि मानते हैं कि यहाँ कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, ये कुछ बिकर और बिकर में क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड करने के बाद में हम देखेंगे यदि हम इसके अंदर कुछ इंक ऐड करें, इंक ऐड कर रहे हैं मतलब कि ब्लू कलर की इंक जो है हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब ब्लू कलर की इंक ऐड करने के बाद में ये जो वाटर है इसका जो टोटल सॉल्यूशन है या जितना भी वाटर है उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा।
यानी कि होल जो वाटर है बिकर के अंदर जितना भी वाटर है वो ब्लू कलर के सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका रीज़न ये भी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इसके ब्लू कलर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे सोल्यूबल हो गए या मिक्स हो गए किसके अंदर, वाटर के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा टाइनी होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते या हम कह सकते हैं कि हमें इनके बारे में पता नहीं लगता। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी देखें, सेकंड मैटर की प्रॉपर्टी देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दिस पार्टिकल, कि मैटर के जितने भी पार्टिकल हैं उन सभी पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत क्या प्रेजेंट होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा। जैसे हम देखें ये कोई मैटर है और मैटर के अंदर ये पार्टिकल प्रेजेंट है और इन सभी पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। अब जितने भी पार्टिकल इनके बीच जो स्पेस प्रेजेंट, हम इस स्पेस को क्या नाम देते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर यानी कि इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स का मीनिंग है मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल्स के बीच में, कि मैटर जिस भी मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है उन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा बहुत क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। जैसे बात करें एक्वा की, पानी की बात करें, तो वाटर जिन मॉलिक्यूल से मिलकर के बन रहा है उसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स के बीच भी देखें तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच भी क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। देखिए जब हमने बात की थी कि शुगर सिरप की जब हम बात करते हैं कि वाटर का सॉल्यूशन लेकर के, ये वाटर का सॉल्यूशन और यदि इसमें क्या मिक्स की जाए, शुगर मिक्स की जाए, तो शुगर मिक्स करने के बाद भी किसी बर्तन के अंदर जिस बर्तन में हम पानी देते हैं उसका जो लेवल है वो बढ़ता नहीं है, तो उसका रीज़न ये रहता है कि इनके बीच जो फ्री स्पेस प्रेजेंट होगा, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना भी फ्री स्पेस होगा उस फ्री स्पेस के अंदर कौन एडजस्ट हो जाएगा, शुगर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, उस फ्री स्पेस के बीच में एडजस्ट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उन सभी के बीच में क्या होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखिए इसका जब हम मोस्टली आगे जब हम पढ़ेंगे स्टेट्स पढ़ेंगे जब हम मैटर की, तब इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कंटिन्यूसली मूविंग, कि मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो कंटिन्यूसली रेगुलर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, या मूविंग करेंगे, उनमें लगातार मूवमेंट होगी, हम कह सकते हैं कि मूविंग कंटिन्यूसली मूविंग या लगातार वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये हम बिकर लेते हैं और बिकर के अंदर क्या ऐड करते हैं, कुछ वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने के बाद में यदि देखिए मैं इसी वाटर के अंदर कुछ सम ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स ऐड करूं, किसकी, कलर ड्रॉप ऐड करूं। कलर मानते हैं कि कोई भी रेड कलर लेकर के हम इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप रेड कलर या रेड कलर को ऐड करते हैं इस वाटर के बिकर के अंदर। जैसे देखिए बिकर के अंदर रेड कलर को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में जैसे ही ड्रॉप इस वाटर के टच में आएगी तो वो इस सारे वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी, या सारे वाटर में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी या कंटिन्यूसली क्या करेगी, मूव करेगी, जिसके बाद में जितना भी वाटर है इन सभी का कलर कैसा हो जाएगा, कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो रेड किसकी वजह से हो रहा है, हम कह सकते हैं कि रेड होने का कारण क्या है या क्या वजह है जिसकी वजह से सारा पानी कलर ऐड करने के बाद रेड हो रहा है, तो उसका मीनिंग है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के वो रेगुलर क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, लगातार उनमें क्या हो रही है, मोशन हो रही है, लगातार वो मूवमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो